हेलो स्टूडेंट, दशम श्रेणी मॉडल एक्टिविटी टास्क सबाई के स्वागत। आज के विषय हे गणित। तर आगे बोले रखी भिडियोटी आगे किन्तु पोस्ट करा तुम्हारा देखते पारो, किन्तु एखाने पीडीएफ आकार देवा छात्र छात्री सुविधार जो पीडीएफ आकार भिडियो तैयारी हो तुम्हारा देखो प्रथम के शेष पर्यन्त। आशा करी प्रत्येक तुम्हारा भलोक बुझते पर एक नम्बर अंक देखो कि देवा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ए बी वास्तव ए इज नॉट इक्वल टू जीरो समीकरण विजय समान हार शर्त लेखो। तो देखो एक नम्बर को देवा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो समीकरण विजय समान हार शर्त कि बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो जखे ए बी वास्तव ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तपर दो नम्बर अंक देखो एक वित्तर व्यासार्धे दैर्घ्य दस सेमी और वित्तर एक जेर दैर्घ्य बारो सेमी हम वित्तर केंद्र के जे दूरत कत। देखो एखे चित्रानुसारे को चित्रांश ओ केंद्रीय वित्तर व्यासार्ध ओ बी दस सेमी। देखो एखे चित्र मध्य रखा हो जे ए बी बारो सेमी ओडी लम्ब ए बी और ए डी इजिकल टू बीडी छ सेमी समकोणी त्रिभुज ओ बी डी थे पाई ओ डी इजिकल रूट ओवर ओ बी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर रूट ओवर ए दस स्क्वायर ओ बिर मानट बसाना हो बी मान छ बसाना हो स्कोर बस दस स्कोर एकश वियोग छय स्कोर छत्तीस वियोग कर ले चौष्टि रूट ओवर कर ले आठ तरह भेतरी केंद्र के जेड दूरत हे आठ सेमी। तपर तीन नम्बर अंक देखो कि देवा दोटी घनकर आयतन अनुपात वन इस टू एट हम घनकटी घनक दो समग्र तले क्षेत्रफल अनुपात कत से बार करते बला है। घनक दो बाहुर दैर्घ्य धरना है ए वन ए टू तरह शर्तानुसार ए वन इज क्यूब इज टू ए टू क्यूब इज वन इज टू एट एवं देखो इज टू थे बै आकार लिखा हो वन बाय एट एट बनाना हो क्यूब आकार वन बाय टू तेल ए वन बाय ए टू इज टू वन बाय टू पा गए तेल समग्र दल क्षेत्रफल जिज्ञासा करें समग्र दल क्षेत्रफल सिक्स ए वन स्क्वायर इज टू सिक्स ए टू स्क्वायर इज टू थे बै करा देखो मानगुल बस ओपर ने छय छय काटल ए वन स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर छो ये सम्पूर्ण हल स्क्वायर करा ए वन बाय ए टू हल स्क्वायर ए वन बाय ए टू मानता कत वन बाय टू बसाना हो स्क्वायर कर ले वन बाय फोर एवं वन बाय फोर मैंने कत है वन इज टू फोर। तपर चार नम्बर अंक देखो देवा कि प्रश्न हे चारश टकर दो बचर समूल चक्रवृद्धि चारशो एकचल्लिस टाक हम वार्षिक शतकड़ा चक्रवृद्धि सूधर हार कत। तेलने देखो पी एर मानट मैंने एखे पी बोलते आसल चारशो टा देवा एन एर मानट कत दो बचर आर एर मानट जिज्ञासा करना समूल चक्रवृद्धि फर्मुला फर्मुला लेखा हो समूल चक्रवृद्धि फर्मुला कि पी इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू दि पावर एन पी एर मानट चारशो बसाना हो वन प्लस आर बाय हंड्रेड तरह हल स्क्वायर करना शर्तांश मान देव हो चारशो एकचल्लिस शर्तांश रहा है एखान आर एर मानट बार करना देखो जे वन प्लस आर बाय हंड्रेड बस लो और ये चारशोटा नीचे बसे गलो तर स्कोयर तोला हो रूट ओवर हो गए तरह वन प्लस आर बाय हंड्रेड इजल टू चारशो एकचल्लिस बर्गुण एकुश बाई चारशो बर्गुण कूड़ी है आर बाय हंड्रेड बस लो प्लस वन चल्लिस बाम दिखे आसले एडान दिखे गलो माइनस वन हो गलो एबार एखान थेके लसाओ करे बार करा हयेछे आर बाय हंड्रेड इजल वन बाई कत कूड़ी एबार आर एर मानटा जेहेतु बार करते बला हयेछे तार डायरेक्ट गुण एबार शून्य शून्य काटलो थाकलो पाँच कूड़ी फाइव दस तहले कत हलो आर एर मानटा आसलो पाँच अते वार्षिक चक्रवृद्धि सूदर हार कत पाँच पार्सेंट। आशा करी तुम्हारा प्रत्येक बुझते पे पाँच नम्बर अंक देखो कि एक्स कमा बारो कमा वाई कमा सताश क्रमिक समानुपाति हम एक्स और वाई एर मान निर्णय करो तो ये देखो समानुपाति लिखा हो समानुपाति क्यों है एक्स इज टू बारो मैं प्रथम इज टू द्वितीय समान समान द्वितीय इज टू तृतीय समान तृतीय इज टू चतुर्थ अर्थात तीनटा समानुपाति पा गए एबार देखो प्रथम शेषे दो अंक बारो इज टू सात बारो इज टू वाई समान समान वाई इज टू सताश इज टू थे बैकार लिखा होता है वायर मानट बार करा तुम्हारा देखते पाच वायर मानट कत आसलो अठारो आबार देखो तर प्रथम अंशा ये अंशा कर आर कत एक्स इज टू बारो इजुअल टू बारो इज टू वाई करा एखे देखो वायर मानट बसाना हो प्रथम इज टू थे बै करा वायर मानट अठारो पे अठारो बसाना हो एखान एक्सर मानट कैलकुलेशन पा गया कत आठ तेल निर्णय एक्सर मानट हे आठ वायर मानट हे कत अठारो। तपर अंश अंक देखो तपर अंक देखिए ओ केंद्रीय वित्तर ए बी व्यास सी वित्ते अवस्थित एक बिंदु कोण ओ बी सी इजिकल टू 60 डिग्री होले ओ सी एर मानट कत। देखो एखे चित्र आका हो केंद्रीय वित्त देखाना हो जिज्ञासा चिन्ह मानट बार करते बला कोणटार ये ओ केंद्रीय वित्तर ओ बी समान समान ओ सी एक जेहतु एक वित्तर व्यासार्ध कोण ओ बी सी इजिकल टू कोण ओ सी बी ओ बी सी इजिकल टू ओ सी बी इजिकल 60 डिग्री होबे जेहतु कोण ए सी बी अर्धवृत्तस्थ जेहतु कोण ए सी बी अर्धवृत्तस्थ कोण ताहले ए सी बी मानटा कत 90 डिग्री तार 90 थेके 60 डिग्री माइनस करले कोणटार मानटा पेये जाबो ताहले कत 90 थेके 60 डिग्री बाद देवा होयेछे एखाने देखो देखे नाओ तोमरा 30 डिग्री तार सठिक उत्तर होच्छे 30 डिग्री। तारपर आमरा देखो 7 नम्बर देवा होयेछे कि एकटि घनकेर प्रतिटि धारा दैर्घ्य 50% बृद्धि होले घनकटिर समग्र तले क्षेत्रफल शतकड़ा कत बृद्धि पाबे जिज्ञासा करा होयेछे ताहले देखो धरि घनकटिर धारा दैर्घ्य ए धरनेर होयेछे घनकटिर समग्र तले क्षेत्रफल 6a स्क्वायर बर्ग होबे धार दैर्घ्य कत 50% बृद्धि पाए धारे बाहुर दैर्घ्य तेल कत हो ए प्लस बृद्धि पे प्लस प्लस हो प्लस ए प्लस ए इंटू हंड्रेड सॉरी 50
পার্সেন্ট, এ প্লাস এ ইন্টু 50% জন্য নিজে 100 বসলো, কারটি হলো এ বাই 2 আসলো, এটা হচ্ছে ওপরে আসলো 3 এ বাই 2 একক, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তারপরে দেখো সমগ্র দলের ক্ষেত্রফলটা কত, সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল 6 ইন্টু বাহু স্কোয়ার করা হয়েছে, দেখো 6টা বসলো, 3 এ স্কোয়ার করে 9 স্কোয়ার, 2 এ স্কোয়ার করে 4, এটা গুণ করলে কত, 9 6 54, আর নিজে 4টা বসলো বর্গ। এবার ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিয়োগ করে দিলে আগেরটা ক্ষেত্রফল থেকে বিয়োগ করে দিলেই পাওয়া যাবে কত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তো কত আসলো 30 এ স্কোয়ার বাই 4 বর্গ একক। এবার ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কতর মধ্যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে, দেখো 30 এ স্কোয়ার বাই 4 বৃদ্ধি পেয়েছে কতর মধ্যে, 6 এ স্কোয়ারের মধ্যে, ইন্টু 100 করা হয়েছে, কারাটি করলে কত আসলে 125%, এটাই হচ্ছে গিয়ে সঠিক উত্তর। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো। তারপর 8 নম্বর অঙ্কটা দেখো সমাধান করতে বলা হয়েছে, 8 নম্বর অঙ্কটা কী দেওয়া হয়েছে, 2x + 1 + 3/2x + 1 = 4, এটা লসাগু করা হয়েছে, লসাগু করে তোমরা দেখো, তারপরে 2x + 1 তার হোল স্কোয়ার করা হয়েছে, প্লাস 3 বসলো, 4 দ্বারা গুণ করে দেওয়া হয়েছে। এবার এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস 2b + b² ফর্মুলা ফেলা হয়েছে। তারপরে দেখো এটা ভাঙা হয়েছে, 2x² করলে 4x² প্লাস 2 × 2 করলে 4 × 1, 4x বসলো, 1² 1 1 বসলো, 3টা বসলো, 4x8x বসলো, 4 বসলো। এবার এক্সগুলোকে সমান করলে সবটি বাম দিয়ে আনা হয়েছে, তাহলে দেখো প্লাস 4 মাইনাস 4 কেটে গেছে, 4x² বসলো, -8x থেকে প্লাস 4x বাদ দিলে মাইনাস 4x = 0, আর এখানে 4x কমন নেওয়া হয়েছে, তাহলে কত হলো x - 1 = 0, তাহলে হয় করা হয়েছে 4x = 0, এক্স এর মানটা কত 0/4 = x = কত 0, না হয় কত x - 1 = 0 বা x = কত 1, তাহলে নির্ণয় সমাধান কত পাওয়া গেলো, x = 0 এবং x। আশা করি তোমরা সবাই অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছো, যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক করো, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো, আর যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও।